हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज फिर से हम एक कल के एनालिसिस पे वीडियो लाए हैं, ठीक है। कल मंगलवार 17/1/2023। तो आज के एनालिसिस में देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे जाता है। ओके, तो डायरेक्टली हम चार्ट पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बोलूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल का डिस्कशन करने से पहले आज का डिस्कशन देख लेते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ जो हमने कल बात की थी, कल की वीडियो आप जाके देखिएगा। ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ कल क्या, ये जो हाई था 18,000 का और ये स्विंग लो था ये लगभग 17,935 का, ठीक है। तो मैंने कल क्या बताया था कि आज का जो है डिसीजन लेना नेक्स्ट मूव के लिए काफ़ी आसान होगा। आज का मोमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्या बोला था कि यदि हमको बाइंग करना है तो ये 18,000 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल ग्रीन करके क्लोज करे, फिर हम 18,100 के लिए 30-35 रुपये के स्टॉप लॉस लेके 50 से 60 रुपये कम से कम, मतलब 18,100 के तक के लिए लेवल के लिए हम बाइंग कर सकते हैं, राइट था। मैंने ये भी बोला था कि यदि ये गैप अप खुल जाता है तो हमको डायरेक्टली बाई नहीं करना है, वेट करना है। कहाँ तक आता है, यहाँ सपोर्ट लेके यदि बाइंग दिखाता है क्लोज पे आके तो ही हम बाई करेंगे। दूसरा मैंने ये बताया था कि स्विंग लो है, इसके नीचे यदि 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज करता है तो हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे। यहाँ पे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे इस लो के नीचे करीब करीब 12:15 को क्लोजिंग हुई है, वो भी 15 मिनट का, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग करते। तो मैंने बताया था कि इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल मतलब 17,850 के आसपास आएगा। और आज का एग्जैक्ट लो देख लेते हैं, आज का लो है 17,854 का, ठीक है, मतलब वहीं पे ही आया था। अभी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ओके। तो कल का जो हमने कहा था एनालिसिस लगभग सही हुआ। आज अब कल की बात करते हैं, इस पर कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल और आज में सिनेरियो चेंज हो गया। मैंने कहा था आज की क्लोजिंग ज़्यादा मायने रखती है, यदि निफ्टी को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हमारी क्लोजिंग जो है आज की पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव हुई है क्या? बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। तो हमको फिलहाल के कंडीशन में हमको मार्केट जो है आने वाले दिनों में बेरिश लग रहा है, ठीक है। तो कल के एनालिसिस करते हैं, ओके। तो अब कल के लिए क्या होगा, ये एक स्विंग हाई है यहाँ पे 17,944 मान लेते हैं और स्विंग लो जो है 854, ठीक है, मतलब 850 मान लेते हैं। ये 100 पॉइंट के दायरे में हम कुछ नहीं करेंगे। तो कल ओपनिंग यदि फ्लैट होती है, मैं बोलूँगा अब आज का सिनेरियो चेंज हो गया है, फ्लैट होती है और निगेटिव होती है तो हम पुट साइड के लिए यानी कि निगेटिव रहेंगे। अगला जो टारगेट रहेगा हमारा 775 तक के लिए हम कल वेट करेंगे, ठीक है। फ्लैट और निगेटिव होता है तो यहीं पे ओपन होता है 17,900 के आसपास या उसके नीचे ओपन होता है, 10-20-25 पॉइंट तो हम निगेटिव रहेंगे। और जैसे ही ये लो को क्रॉस करेगा 854 को, हम 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो 17,775 तक के लिए हम वेट करेंगे, ओके। और ऊपर खुल जाता है तो ऊपर के केस में हम इंटरेस्टेड नहीं है, बट क्या करना है, ऊपर खुलेगा और बाइंग करना है आपको तो 943 मतलब 944-45 के ऊपर यदि 15 मिनट का कैंडल ग्रीन होके क्लोज देता है तो ही आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। और वो भी कहाँ तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए 18,000 तक के लिए, मतलब अपसाइड में ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है, आज का जो हाई था वो भी कल का रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है मार्केट जो है डाउनवर्ड के फेवर में ज़्यादा है। वैसे भी आज ने निगेटिव क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आएगा और अगर इसको तोड़ा तो फिर डाउनफॉल के लिए हम और 100-200 पॉइंट के लिए आराम से हम जा सकते हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, हमको क्या करना है। फ्लैट और निगेटिव हुआ तो हम पुट की एंट्री करेंगे यानी कि हम सेलिंग करेंगे 17,775 तक के लेवल के लिए, और इसके ऊपर 17,945 के ऊपर ग्रीन 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसी के नीचे स्टॉप लॉस डाल के, उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हम 18,000
तक के लिए फर्स्ट टारगेट और देन 18,050 के लिए सेकंड टारगेट के लिए हम कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा फेवरेबल रहेगा सेटअप के हिसाब से मैं कि सेलिंग करूँगा कम से कम इस लेवल तक, उसके बाद कल का क्लोजिंग देखते हैं इस लेवल के आसपास दिखाता है 800 के नीचे, तो फिर नेक्स्ट डे हम आप कैरी कर सकते हो उसको 100-150-200 पॉइंट के लिए मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप था। ठीक, अब कल के लिए क्या होगा देखते हैं। कल के लिए ये स्विंग हाई जो है 450 का और ये स्विंग लो है 42,067। ठीक, तो अगर फ्लैट और निगेटिव ओपन होता है तो सीधी बात आपको सेलिंग करनी है। ठीक, और यदि पॉजिटिव होता है तो आप बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे, पॉजिटिव होने पे यहाँ पे फंस जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद 42,450 के ऊपर क्लोज 15 मिनट का कैंडल तो ही आप बाई करेंगे, उसमें भी 42,500 का टफ रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको ऊपर क्लोज करता है तो ही आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो बाइंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फ्लो में जाना है इसको, तो सेलिंग साइड ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं। तो हल्का ऊपर या फ्लैट या थोड़ा निगेटिव पे हम सेलिंग का देखेंगे। ओके, ठीक। एक और सिनेरियो हो सकती है, क्या हो सकती है कि अब हमको क्या करना है, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्लैट हल्का ऊपर हल्का नीचे आया तो अब तो हम सेलिंग करेंगे, उसके लिए मार्केट तैयार है। ठीक है, और यहाँ पे अगला टारगेट हमारा ये लो रहेगा 41,750 के आसपास का। ठीक, यहाँ इसको तोड़ने के जस्ट बाद। ओके सॉरी लेकिन एज्यूम करते हैं कि कल यदि बड़ा गैप डाउन हो गया, गैप अप में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको वेट करना है इसके ऊपर क्लोज होगा तभी हम, जो कि काफ़ी ऊपर है 450 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देगा तभी हम बाई करेंगे, फिर से 500 का रेजिस्टेंस है फिर इसके ऊपर जाएगा तब हम सोच सकते हैं। फिलहाल कल का कल देखेंगे, बाकी हम निगेटिव साइड में ही ज़्यादा हैं, सेलिंग साइड में ज़्यादा हैं। अब यदि ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है लगभग 41,900-41,800 इस टाइप का, तो हम डायरेक्टली सेल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लो 42,000 है उसके नीचे 41,900 के आसपास 950 के आसपास ओपन होता है, मतलब गैप डाउन हो जाता है, तो इन लोग ओवरनाइट जो ऊपर में सेल किए हैं पूरे सेलिंग 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 करके यहाँ तक आए हैं, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहाँ तक आपको वेट करना है, इसके क्लोजिंग तक। ठीक है, मतलब आपको सेल तो करना है, गैप डाउन होगा तो आप सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे कहाँ तक, इसके क्लोजिंग तक, मतलब आज का जो क्लोजिंग है वहाँ के आसपास आए, वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले, 5 मिनट का निगेटिव कैंडल बनाए यहाँ कहीं पर, फिर उसके लो के टूटने पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और जो वहाँ पर स्विंग लो होगा उसको तोड़ेगा, तो फिर आप वेट करेंगे 41,750 के आसपास। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हम सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रीफर करेंगे दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कल को मोमेंटम देखिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।